नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड नर्सरी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे टॉपिक इज स्मॉल लेटर सी। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल लेटर सी। ये कौन सा टॉयज है? वेरी गुड, कार। टॉयज कार से आप खेलते हो, है ना? कार का कलर कैसा है? वेरी गुड, ब्लैक और सिल्वर। और ये क्या है? वेरी गुड, व्हील्स। कार के व्हील कितने होते हैं? फोर। वेरी गुड किड्स, ये क्या है? वेरी गुड, नाइस, कैटरपिलर। कैटरपिलर में से मैडम ने क्या बनाया है? सी फोर कैटरपिलर, सी फोर कैटरपिलर, स्मॉल लेटर सी। सो चिल्ड्रन, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी, सी फोर काउ। नेक्स्ट सी, सी फोर कप। सी, सी फोर कैमल। सी, सी फोर कोट। सी, सी फोर कॉटन। सी, सी फोर केक। सी, सी फोर क्लाउड। नेक्स्ट सी, सी फोर कार। सी, सी फोर केप। सी, सी फोर कैरट। सी, सी फोर क्लॉक। सी, सी फोर कैटरपिलर। वेरी गुड। आपको क्या बनाना है? स्मॉल सी।
टुडे एक्टिविटी। आज की हमारी एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, अब हमें इस एक्टिविटी में एक A4 साइज के पेपर में या कार्ड पेपर में, जो भी आपको पसंद है उस पेपर में आपको ऐसे प्रिंट करना है या राइट कर लेना है C4 cat C4 cat। और हमें इस एक्टिविटी में क्या चाहिए? कॉटन और गम चाहिए। इन तीनों की मदद से आज हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस सभी भाग में अंदर की ओर गम लगाना है। ऐसे देखो, अच्छी तरह से हमें ऐसे गम लगा देना है सभी पार्ट्स के अंदर, फिलअप कर देना है गम ऐसे अच्छी तरह से पूरे अंदर की ओर गम लगा देना है। और फिर हमें इस फिंगर की मदद से ऐसे हमें स्प्रेड कर देना है इस गम को, अच्छी तरह से स्प्रेड करना है ऐसे देखो। हो गया स्प्रेड। अब हमें इस कॉटन को लेके ऐसे इसके ऊपर चिपकाना है, लगाना है। देखो अच्छी तरह से हमें ऐसे चिपकाना है उसको, थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइन के अंदर ही रख के ऐसे चिपका देना है अच्छी तरह से। देखो तो ये हमारा क्या बन रहा है, पता चला आपको क्या बनेगा? तो ये हमारा C4 cotton। सी में से क्या बनाया कॉटन की एक्टिविटी से हम? C4 cotton। टुडे अवर टॉपिक इज स्मॉल लेटर डी। लुक एट हियर, कैपिटल लेटर डी, दिस इज कैपिटल लेटर डी, और दिस इज स्मॉल लेटर डी, दिस लेटर इज स्मॉल लेटर डी। सम वर्ड, चलो आज हम कुछ वर्ड देखते हैं जो लेटर डी से स्टार्ट होते हैं। डी, दिस इज डी, डी फॉर डॉग, दिस इज डी, डी फॉर डॉग, डी, दिस इज डी, डी फॉर डॉल, डी, दिस इज डी, डी फॉर डोनट, दिस इज डी, डी फॉर ड्रम। सो किड्स, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेटर, वो है स्मॉल लेटर डी। दिस लेटर इज स्मॉल लेटर डी। आगे हमें ए बी और सी सीख गए, अब कौन सा लेटर सीखना है आपको? स्मॉल लेटर डी। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉल। ओके, ट्रेस एंड राइट द लेटर डी। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है? लेटर ट्रेस करना है, बाद में अपने आप राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट लाइन में इसी तरह से आपको लेटर राइट करके दिया गया है, और सेकंड लाइन में क्या करना है? ट्रेस करना है, और बाकी के ब्लैक बॉक्स से उसमें आपको लेटर अपने आप राइट करना है। ओके, फर्स्ट ट्रेस करेंगे। पहले क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन स्मॉल डॉट को जॉइन करके, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर आपको अच्छी तरह से स्मॉल डॉट को जॉइन करके करना है ट्रेसिंग। ओके, अगेन ऐसे करेंगे। हो गया ट्रेस।
अब क्या करना है, यहाँ पे अपने आप राइट करना है। देखो स्मॉल लेटर भी टू लाइन में होता है। फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन और सेकंड में कर्व। ओके, तो फर्स्ट आपको 1, 2 और 3 थ्री लाइन में ये लेटर राइट करना है। फर्स्ट टू लाइन, सेकंड टू लाइन तक। ओके, तो पहले बताएंगे मेक अ स्टैंडिंग लाइन स्टिल, सेकंड ब्लू लाइन एंड स्मॉल कर्व, फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकंड ब्लू लाइन। अगेन करेंगे ऐसे, स्टार्ट फ्रॉम द कंप्लीट लाइन, मेक अ स्टैंडिंग लाइन स्टिल, सेकंड ब्लू लाइन देन स्मॉल कर्व, फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकंड ब्लू लाइन। हो गया। अगेन ऐसे ट्राई करेंगे, स्टार्ट अगेन, मेक अ स्टैंडिंग लाइन फिर स्मॉल कर्व, अगेन ट्राई करेंगे, मेक अ स्टैंडिंग लाइन स्टिल, सेकंड ब्लू लाइन एंड स्मॉल कर्व, फर्स्ट ब्लू लाइन टू सेकंड ब्लू लाइन। हो गया। अब लास्ट रो में भी ऐसे ही राइट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप रेड लाइन से स्टार्ट करना है। कहाँ तक, यस सेकंड ब्लू लाइन तक, यानी कि थर्ड लाइन तक, मेक अ स्टैंडिंग लाइन स्टिल सेकंड ब्लू लाइन देन स्मॉल कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व, स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व। तो इस तरह से लेटर डी राइट होता है। ओके, बिफोर डॉग, बिफोर ड्रम। ओके, टुडे वी लर्न स्मॉल लेटर डी। टुडेज एक्टिविटी, देखो बच्चों आज की एक्टिविटी में हमें वन पेपर चाहिए, कोई भी साइज का आप ले सकते हो, और कलर, फिर ईयरबड्स, कोई भी कलर आप ले सकते हो और ईयरबड्स चाहिए। ओके, इन तीन चीजों की मदद से आज की एक्टिविटी हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों अब हमें इस पेपर में डी लिखना है। ऐसे देखो, डी फोर डॉट लिखना है, लिख दिया तो हमने ऐसे राइट कर दिया लेटर। अब हमें कलर के अंदर ये ईयर्स बर्ड्स को डिप करके ऐसे डॉट बनाना है छोटे छोटे। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस रखकर ऐसे डॉट बनाने ईयरबड्स की मदद से। पहले क्या बनानी है हमें, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बन गया। अब हमें कर्व बनाना है, ऐसे देखो ऐसे डॉट के बनाना है छोटे छोटे, लाइन के ऊपर ही ऐसे डॉट बनाना है। हो गया। तो ये कौन सा लेटर बना, डी, डी फोर डॉट, डी फोर क्या बना, डॉट। कैसी लगी आज की एक्टिविटी आपको, अच्छी लगी ने, आप भी ऐसे घर पे कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।